दोस्तों चावल, चावलों की जो है दुनिया भर में कई सारी वैरायटियां हैं और उन्हीं वैरायटियों में से एक वैरायटी है बासमती। जी हाँ, बासमती में भी जो है कई सारी वैरायटियां हैं और उनमें से एक है तिबार। तिबार के जो चावल हैं, आज जो है मैं उसको बनाकर और खाऊंगा और उसको टेस्ट करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे हैं वो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो तिबार है ये पंजाब का एक ज़िला है, वहाँ पर जो है ये चावल उगता है और वहीं की ये वैरायटी है और काफ़ी फेमस है और पतंजलि द्वारा जो है इसकी पैकेजिंग की गई है। तो आज जो है मैं इसको बनाऊँगा, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स गेट स्टार्ट। तो गाइस, ये है पैकेजिंग, तो आप देख सकते हैं तिबार बासमती राइस, जो कि पतंजलि द्वारा इसको पैक किया गया है। और ये इसके पीछे का हिस्सा है जिसमें पैकेजिंग डेट लिखी हुई है और प्राइस लिखा हुआ है 100 रुपीज़ का। ये पैकेट है जिसका नेट वेट है 1 kg और बेस्ट बिफोर 24 मंथ फ्रॉम पैकेजिंग, मतलब कि 24 महीनों तक जो है ये आपका सुरक्षित रहेगा इस पैकेट के अंदर, और उसके बाद भी चलता है, चावल तो ख़राब कभी होते भी नहीं है। तो गाइस, इसके साइड में जो है ऑप्शनल कुकिंग मेथड दिए गए हैं, 4 तरीके से जो है आप इसे बना सकते हैं। ओपन पैन के द्वारा, क्लोज पैन के द्वारा, माइक्रोवेव के द्वारा, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक राइस कुकर के द्वारा। तो इनमें से चारों में से कोई भी ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं इसे फ्राइंग पैन में बनाऊंगा। अब इसके आप नीचे बारकोड भी देख सकते हैं, बारकोड भी इसके नीचे लगाया गया है। तो दोस्तों, अब ऊपर की तरफ आते हैं। तो ऊपर इसमें तिबार बासमती राइस पतंजलि द्वारा इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसमें बस ये लिखा हुआ है कि ये काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का चावल है जो कि कई सारे स्टेट्स के अंदर जाता है और लोग जो है इसे खाते हैं, और काफ़ी डिलीशियस है, काफ़ी बढ़िया है। और दूसरी तरफ इसमें जो है ये न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिस पे अगर पर 100 ग्राम ये प्रोडक्ट, अगर आप 100 ग्राम इसे बनाते हैं तो इसके अंदर एनर्जी 348 kcal, प्रोटीन 8.15, कार्बोहाइड्रेट 78.28 ग्राम। तो ये सारी जो न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दी गई है आपको मिलेगी। तो आप इसका जो है जब अगर सेवन करते हैं तो इतने सारे जो न्यूट्रिशंस हैं वो आपको मिलेंगे। तो अब जो है, अब इसके साइड में हम देखते हैं तो ये FSSAI द्वारा लाइसेंस नंबर इसमें कई सारे दिए गए हैं। कहने का मतलब ये है कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का चावल है तिबार, जिसको अभी हम थोड़ी देर में बनाएंगे। ऊपर की तरफ इसमें ये बार कोड का भी निशान दिया गया है क्वालिटी वाला। तो गाइज़, ये इस प्रकार के चावल हैं और काफ़ी बढ़िया और एकदम साफ़ हैं, बहुत ही बहुत ज़्यादा साफ़। इसको जो है अभी हम पानी में भिगोएंगे, 1 घंटे के लिए छोड़ेंगे, और देखिए इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, बहुत बढ़िया, प्रीमियम एकदम गुड। तो दोस्तों, मैंने जो है ये चावल भिगो दिया है निकाल के, और मैंने इसको 1 घंटे के लिए भिगो दिया है। भिगोना चावल को ज़रूरी होता है, भिगोने से जो है चावल फूल जाते हैं और बनाने में जो है काफ़ी आसानी रहती है। तो फ्राइंग पैन में जो है मैंने ये चावल रख दिए थे। तो फ़िलहाल तो मैं जो है नमकीन चावल बना रहा हूँ, और आप देख सकते हैं ये बड़े और मोटे लंबे से चावल, बड़े ही प्रीमियम लग रहे हैं एकदम। ये देखिए एकदम फर्स्ट क्लास। तो खाने में तो जो है आज मज़ा आने वाला है, खा के मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसका टेस्ट है और क्या नहीं। तो वाकई में जो है चावल बन चुके हैं और यार दिख तो बहुत ही बहुत बेहतरीन रहे हैं। मैंने ये नमकीन चावल बनाए हैं, तो चलिए इसको जो है प्लेट के अंदर निकालते हैं और फिर टेस्ट करते हैं तिबार के चावल, पंजाब के चावल। तो दोस्तों, ये एकदम परफेक्ट बन चुके हैं, और प्लेट में जो है इसे मैं डाल लेता हूँ और फिर जो है इसको टेस्ट करके देखेंगे क्या ये चावल आपको लेने चाहिए, खाने चाहिए। दिख तो बहुत बढ़िया रहे हैं, देखिए छोटे साइज़ के थे लेकिन लंबे लंबे और मोटे, एकदम हेल्थी किस्म के जो हैं चावल आपके बन के तैयार हो गए हैं। तो फाइनली गाइस, इसको खाते हैं। तो दोस्तों, मैंने जो है 2-3 चम्मच खाए हैं और वाकई में चावल बेहतरीन है।
आप जो है इसका पुलाव बना सकते हैं। खिचड़ी, खिचड़ी के लिए तो खैर मत बनाना, खिचड़ी वाले तो नहीं है, लेकिन इसका पुलाव बनाइए और साधारण चावल बनाकर जो है दाल के साथ खा सकते हैं, और वाकई में बहुत बढ़िया चावल है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं, बाय बाय।